सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह दिया, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट इस समय सरकार चलाती है, इस देश में प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। आप कोई अखबार किसी दिन का पढ़ लें, 8-9 खबरें सुप्रीम कोर्ट की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल से ये बंद हो जाना चाहिए, परसों से वो बंद हो जाना चाहिए, महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए, शबरीमला पे क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही देश चला रहा है, तो फिर इस देश की व्यवस्था और सत्ता की जरूरत क्या है भाई? ये अजीब सुप्रीम कोर्ट है इस देश के अंदर। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जो जलीकट्टू पे फैसला देता है, जो शबरीमला पे फैसला देता है, जो महाकाल पे फैसला देता है, वो 70 साल से अयोध्या पे फैसला नहीं दे पा रहा। अब अयोध्या पे फैसला नहीं दे पा रहे तो अजीब तर्क दिया जाता है कि साहब बड़ा विवादित है। तो भाई मेरे, विवादित तो आपने क्या शबरीमला में क्या काम किया है, कौन से फेथ की आपने रक्षा की है? और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कचहरी कब से किसी के फेथ को तय करने लगे? अगर मुझे बताएं कि अगर यही तर्क दिया जा रहा है कि शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये क्यों नहीं कहता है कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद में मुसलमान मर्द के साथ में मुसलमान औरत भी नमाज पढ़ेगी? ये भी कह के देखे, ये कहने में क्या दिक्कत है भाई? तो आप मस्जिद के नाम पर आपने 70 साल डराया, आप डरे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो मैं आपसे सबसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कुरान की रोशनी में ये कह दिया, उसका रेफरेंस देके कर दिया, तो मथुरा और काशी में किसका इंतजार कर रहे हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं आप भाई, और क्यों कर रहे हैं? अरे हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो फिर वो मस्जिद नहीं है ना, फिर तो किसी ने इंक्रोच किया ना आपके मंदिर को तोड़ करके। तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट से करेंगे अब इसको तोड़ के मैं वापस दिलाए? तो इस देश का हिंदू ही क्यों चाहता है कि सब काम सुप्रीम कोर्ट ही करे, खुद कुछ भी करिए आप भाई? बर्मा वालों ने अपना काम करना था, कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्या यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है रोहिंग्या को यहां रखिए क्योंकि हमारा संविधान यह कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या को लेकर के जो मानवता का जो स्केल है वो तो बड़ा हाई है, लेकिन इसी देश में शांति प्रिय लोग, इसी देश में अपने देश से प्यार करने वाले लोग, 3.5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे शरणार्थी बने हुए हैं, उनकी मानवता के लिए सुप्रीम कोर्ट का कभी दिल में बसीजता नहीं है। तो ये इसलिए भी होता है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या ऐसी तमाम संगठन, इसलिए शायद इस देश में इस किस्म का माहौल बन रहा है कि जो चिल्लाएगा, जो डराएगा, जो धमकी देगा आपको और आप उसको धमकी देने में कामयाब हो जाए तो ठीक है। और इसीलिए जामा मस्जिद का इमाम जो दिल्ली में है, विदेश से आया था, आप सब जानते हैं, बुखारा से आया था, यहां का तो था नहीं भाई, उसके ऊपर 65 FIR है नॉन वेलेबल, 65 FIR जिसमें उसको नॉन वेलेबल वारंट है। लेकिन सर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम उसमें लिख के दिया दिल्ली हाईकोर्ट को कि इनको गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा, शांति बिगड़ जाएगी। तो पिछले 10 साल से हाईकोर्ट ने पूछा नहीं कि इतना बड़ा ये गुंडा है, इसको पकड़ने से दंगा हो जाएगा, तो हो जाए दंगा। आपको रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहिए ना, आप रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लागू कर रहे यार? इसका मतलब है कि आप कोई फैसला देंगे और चंद लोग शहर के अंदर दंगा कर देंगे कि हम फैसला नहीं मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं 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 नहीं, हमारा फैसला बेकार है। भाई जितनी ईमानदारी आपने याकूब मेनन को सुबह 6 बजे कोर्ट खुल के सुनाई थी, उतनी ईमानदारी आप राम मंदिर में क्यों नहीं करना चाहते भाई? क्योंकि आपको पता है कि जो सहिष्णु समाज है, जो टॉलरेंट समाज है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो धमकी नहीं देगा। तो मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं भाई, इस टॉलरेंट समाज को आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि ये वैसे ही करने लगे जैसा और कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इस देश की मेजोरिटी ने 1% मेजोरिटी भी इस देश की अगर वैसे ही बिहेव करने लगेगी तो फिर बहुत सारे कानून जो है कोर्ट में तय नहीं होंगे, सड़क पे तय हो जाएंगे। वो नौबत ना इस देश को, उनको सोचना चाहिए कि ये नौबत हम इस देश को, इस देश के लोगों के तहम्मुल, उनके उनकी उनके उनके धैर्य का इतना इम्तिहान ले रहे हैं। हर बात पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को यही काम बचा है और कोई काम नहीं बचा है सुप्रीम कोर्ट को। क्या ऐसा लग रहा है कि इस देश में मुकदमे नहीं फंसे हुए? 10-10, 20-20 साल के मुकदमे फंसे हुए इस देश के अंदर। आप सोचिए कि राम मंदिर के मुद्दे पे इस देश की दो बड़ी कौमें आमने सामने खड़ी हुई है, उस सालों से झगड़ा चल रहा है, यहाँ शाला है इस पे झगड़ा चल रहा है। अरे भाई आप बैठिए, 3 महीने तक कहिए हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ इस देश में जो विवादास्पद चीजें हैं उस पे फैसला तो दीजिए। हम नहीं करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का फैसला दीजिए, आप फैसला दे दीजिए, आप
समाज से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है? इस खामोशी को आपकी कायरता समझा क्यों जा रहा है भाई? हम नहीं उठाना चाहते हथियार, और अगर हम हथियार उठाने वाले होते तो 3.5 लाख छोटी मोटी गिनती नहीं होती है। जम्मू कश्मीर से जिन लोगों को निकाला गया उसमें से 100 लोग भी हथियार उठा लेते तो ये नौबत नहीं आती। एक ने हथियार नहीं उठाया। अब आप कहेंगे ये कायरता, मैं उसको कायरता नहीं मानता। ये बरसों की 5000 साल की सभ्यता का डीएनए है कि आप हथियार से नहीं लड़ना चाहते, आप तर्क से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो 5000 साल का दौर 5000 साल पहले था, जब समाज सभ्यता मूल्य थे, परंपराएं थी, लोगों का स्टेटस वही था। आज आप एक जिहादी मानसिकता से, आज आप एक लेफ्टिस्ट एंगल से लड़ रहे हैं, उन लोगों से लड़ रहे हैं, माओवाद से लड़ रहे हैं, जिहादियों से लड़ रहे हैं, उनके नेक्सस से लड़ रहे हैं। तो 5000 साल पुरानी सभ्यता वाले हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। अब आपको सामने वाले के हथियार के बराबर का हथियार लेना होगा, तभी आप जीत पाएंगे।